पसवाली क्षेत्र में एक युवती के मोबाइल नंबर को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों गुटों के 6 लोग जख्मी हो गए। दो युवक को चाकू और ब्लेड से हमला कर गंभीर जख्मी किया गया। घटना 17 जुलाई की रात राम मनोहर लोहिया वासनालय अशोक नगर में हुई। पसवाली पुलिस ने दोनों पक्षों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की धरपकड़ शुरू है। अशोक चौक बुद्ध नगर यूनिट क्रमांक 2 नागपुर निवासी की शिकायत पर पसवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। कैलाश ने पुलिस को बताया कि घटना की रात करीब 11:15 से 11:30 बजे इन आरोपियों ने गैर कानूनी तरीके से एकजुट होकर कैलाश और उसके साथियों के साथ मारपीट की। आरोपी हिमांशु ने एक युवती का मोबाइल नंबर कैलाश को दिया था। हिमांशु उस युवती से बातचीत करता था। बाद में कैलाश भी उस नंबर पर युवती से बातचीत करने लगा। यह बात युवती के भाई को पता चली तो वह कैलाश से मिला और बहन के नंबर के बारे में पूछताछ करने पर कैलाश ने उसे बताया कि उसे नंबर हिमांशु ने दिया है। युवती के भाई ने हिमांशु से भी पूछताछ की। इस बात को लेकर नाराज हिमांशु और उसके दोस्तों ने घटना के दिन कैलाश को धमकाते हुए गाली गलौज कर उससे मारपीट शुरू कर दी। आरोपी राहुल ने कैलाश के बाएं हाथ पर चाकू से वार किया। कैलाश को बचाने जब यश यादव, राहुल मडावी, पवन बरपाते और अनुराग ग्रामटेक कर दौड़े तो आरोपी राहुल और उसके साथियों ने उन पर लाठियों से हमला बोल दिया और मारपीट भी की। कैलाश ने पुलिस को बताया कि यश व अनुराग को आरोपी रोशन पांडे ने ब्लेड मारकर जख्मी कर दिया है। कैलाश की शिकायत पर पसवाली पुलिस ने आरोपी राहुल उर्फ दत्ता इंगले, रोशन पांडे, हिमांशु पुले, अभिजीत इंगले व उनके 3 से 4 अज्ञात साथियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शनिवार 18 जुलाई राम मनोहर लोहिया वाचनालय अशोक नगर पसवाली येथे तिथे रात्री 11:30-11:15 दरम्यान दोन युवकांचे गुट होते। त्यांच्यामध्ये मुलीचा नंबर देण्याघेण्याच्या कारणावरून भांडणं आणि मारामारी झाली होती। यातील दोन्हीही गुटांनी एकमेकावर चाकू आणि रॉडनी आणि प्लास्टिकच्या पाईपनी वगैरे मारहाण केलेली आहे। यापैकी आम्ही दोन्हीही गटातील एकूण 10 आरोपींना आता अरेस्ट केलेले आहे आणि दोन्ही गटातील आरोपीवर गंभीर दुखापत आणि दंगा करणे या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केलेले आहे। आज माननीय न्यायालयामध्ये त्यांना हजर करून त्यांचा PCR मिळून पुढील तपास API कोसे आणि API मोले असे करत आहेत। दुसरे पक्ष के राहुल उर्फ दत्ता इंगले ने पसवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। राहुल ने पुलिस को बताया कि 17 जुलाई को रात करीब 11 बजे वह खर्रा ले निकले राम मनोहर लोहिया वासनालय अशोक नगर गया था। वहां पर आरोपी कैलाश रामटेकर व हिमांशु की आपस में मारपीट शुरू थी। मैं उनका झगड़ा छुड़ाने गया। इस दौरान आरोपी कैलाश और उसके 5 से 6 साथियों ने गैर कानूनी तरीके से एकजुट होकर लोहे की रॉड से उसके सर और चेहरे को गंभीर जख्मी कर दिया। पसवाली थाने में सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक लामतुरी ने आरोपी कैलाश और उसके साथियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मिंटे ने दी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।